हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी ये नई डिजाइन। ये कार्डिगन में डालें, चाहे ब्लाउज में, चाहे छोटे बच्चों में, ये सभी पे बहुत सुंदर लगती है। एक बार डाल के जरूर देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। आज सीखते हैं ये वाली डिजाइन। उसके लिए ये देखिएगा, तीन के हमने ये तीन पिनों में डिजाइन बनती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 फिंदे डाले हुए हैं। एक फिंदा एक्स्ट्रा डलता है इसमें। तो वो देखें किस तरह से बनाएंगे हम। सीधा सीधा बनाएंगे, इधर से हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। पूरी रो हम सीधी निकालेंगे। ये रो हम निकाल लेते हैं, आप भी स्टार्ट कर लीजिएगा इसी तरह से। आप भी निकाल लीजिएगा, मैं भी तब तक निकाल लेती हूँ। ये देखो निकाल ली है हमने। अब देखें उल्टे साइड, उल्टे साइड से हमें सीधा ही बुनना, इस तरह से सीधा बुनेंगे। पूरी हम इसी तरह से सीधी बुन के रो कंप्लीट करेंगे। अब देखें इधर से भी हम इस तरह से उल्टी उल्टा बनाएंगे, सीधी साइड से भी उल्टा। पूरी रो इसी तरह से जाएगी। ये हम चार सलाई निकाल लेते हैं इसी तरह से। फिर हम आपको दिखाते हैं ये तीसरी सलाई है, चौथी उल्टी साइड में हो जाएगी। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर डिजाइन डालना स्टार्ट करूंगी। आप भी निकाल लीजिएगा तब तक। अब देखें अब हम सीधा बुनेंगे, कलर हमने चेंज कर लिया। तो इधर से हम चार फिंदे बुनेंगे। शुरुआत में हम चार फिंदे बुनेंगे इस तरह से। अब फिर देखिएगा इस फिंदे से हम इस फिंदे पे ले आते हैं, नीचे वाले पे, चार रो नीचे। फिर एक फिंदे को बुन लिया, फिर यहीं से हम इस तरह से निकालेंगे। तीन बार निकालना है इस तरह से। ये देखें तीन बार निकाल लिया। अब चार फिंदे बुनेंगे। ये है तीन ही तीन की है, जब हम उल्टी साइड आएंगे तो ये तीन ही तीन फिंदे रह जाएंगे। ये देखें यहाँ से फिर हमने डाला, फिर इसको निकाल लिया, फिर फिंदे को बिन लिया, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे तीन बार इस तरह से। ये हमने तीन बार कर लिए। अब चार फिंदे फिर बिन लेंगे। ये देखें अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे तो ये तीन फिंदों पे हम बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये थोड़े लूज लीजिएगा, नहीं तो टाइट हो जाएगा। ये उल्टी साइड पे देखिएगा, इस फिंदे को उतार लूँगी। यहाँ दो का एक करेंगे, एक फिंदे वाला और एक जो हमने नीचे से निकाला है वो वाला। ये देखें और एक फिंदा हम इधर से ले लेंगे। ये देखें अब यहाँ तीन फिंदे बचे हुए हैं। ये देखें जो हमने चार फिंदे बने थे वहाँ तीन फिंदे बचे हुए हैं। तो ये तीन फिंदों की डिजाइन है। ये देखें फिर से उल्टी साइड से दो का एक करना है। तो ये तीन फिंदे सीधे बिन लेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो निकाल लेते हैं।
आप देखें इधर साइड देखें। अब हम इसको रेड कलर को लगाएंगे। ये दो ही सलाइन में बन जाती है, वैसे छह सलाई निकालनी पड़ती हैं अगर ये वाली भी जोड़ें, ये वाली, ये उल्टी भी निकालते हैं चार सलाई, चार सलाई हम उल्टी निकालते हैं और दो सलाइन की ये वाली डिजाइन है, तो छह सलाइन में डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। ये तैयार हो गई है। अब दूसरे के लिए हम ऊपर डिजाइन डालने के लिए चार सलाई फिर से निकालेंगे। इसी तरह से निकालनी है जिस तरह से हमने ये नीचे निकाली थी। देखें अब इधर से हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो हम चार सलाई निकाल लेते हैं फिर आपको हम देखें। ये देखें हमने चार सलाई निकाल ली हैं, फिर से कलर चेंज कर लिया हमने। तो अब देखें ये तीन कलर में बना रही हूँ। फिर हम चार फिंदे बिनेंगे। अब देखिएगा यहाँ से ये है जो क्रीम कलर मैंने लगाया है, उसी से हमें ये सिलाई को डालना है। इस तरह से एक फिंदे को फिर से बिन लेंगे, फिर वहीं से डालेंगे, फिर से एक फिंदे को बिनेंगे। ये देखें इस तरह से अब चार फिंदे हम बिन लेंगे। ये पूरी रो इसी तरह से हम ले जाएंगे। फिर से देखें यहाँ से जो क्रीम कलर वाला है उसी में हमें सिलाई डाल के इस तरह से हमें निकालना है। और तीन बार निकालना है इस तरह से। तो हम निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं आप। ये देखें हम उल्टी साइड पे उसी तरह से हमें बनाना है। दो का एक करेंगे जो डिजाइन वाला है, नीचे से भरा हुआ फिंदा है वो देखिएगा इस तरह से। और ये तीन फिंदे बीच के हैं तो हम बीच वाले बिन लेते हैं। ये इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी डिजाइन। इधर साइड पे भी तीन ही बचते हैं जो हम चार फिंदे लेते हैं। शुरुआत इसी तरह से करनी है। ये देखिएगा डिजाइन पड़ने लगी है। एक हमने इसकी डाल ली है, एक इसकी डाल ली है, फिर तीसरी हम इससे डालेंगे। ये चार सलाई निकालने के बाद इससे पड़ेगी। इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी।